है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज की कुछ बड़ी खबरें कौन सी है। सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो फेड दरें मार्च में बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि अगले हफ्ते भी फेड की एक बैठक है 25 और 26 जनवरी को, वहां पर क्या कुछ होता है, किस तरह से संकेत फेड की तरफ से आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चांदी की अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन में जिस तरह से तनाव हुआ है और पूरा जो जियो पॉलिटिकल माहौल खराब हो रहा है, उससे यहां पर कीमतों में कल जबरदस्त तेजी दिखी, आज सुस्ती दिख रही है। कच्चे तेल की बात करें तो एक्सप्लोजन की वजह से इराक से तुर्की के लिए जो एक मेजर पाइपलाइन था वहां पर सप्लाई बाधित हुई है, उससे भी यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। नेचुरल गैस, कम सर्दी और कम हीटिंग डिमांड की उम्मीद लगाई जा रही है, उससे यहां पर कीमतों पर दबाव बना है। कॉपर की बात करें तो चीन में पॉलिसी सपोर्ट और मिलने के संकेत से यहां पर तेजी बनी है। जिंक की बात करें, क्रूड और थर्मल कोल मार्केट में जो तेजी आई है उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। निकेल लगातार तेजी बनी हुई है, एमसीएक्स पर दो दिनों में 10% की मजबूती आ चुकी है। सप्लाई की दिक्कतें हैं, ट्रेडर्स प्रीमियम भाव भी निकेल का देने को तैयार है, इस वजह से लगातार तेजी बनी हुई है। एल्युमिनियम लगातार उत्पादन कटौती से यहां पर सप्लाई की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है, उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात होगी मेंथा की। जो मेंथा आज हालांकि हल्की तेजी के साथ, 0.5% की तेजी के साथ एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। कॉटन, गुजरात में कॉटन की यील्ड अब घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। हल्दी 11 साल की ऊंचाई से फिसल गया है भाव, जीरा ऊपरी स्तरों से हल्की यहां पर मुनाफा वसूली आई है। धनिया यहां भी ऊपरी स्तरों पर आज दबाव भी दिख रहा है। कैस्टर कम मांग से कीमतों में गिरावट है और ग्वार आज कीमतों पर दबाव दिख रहा है। कल जो अच्छी तेजी आई थी उसके बाद से यहां पर दबाव बना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर निकेल में सबसे ज्यादा रफ्तार है, आज भी 5% से ज्यादा की तेजी है, 1815 रुपए तक पहुंच चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक से। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर निकेल में जिस तरह की तेजी दिख रही है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको, कौन से और लेवल दिखा सकता है निकेल यहां से? जी देखिए, निकल के फंडामेंटल बहुत ज्यादा तेजी के थे और रिसेंटली दो डेवलपमेंट्स है। एक तो जो ईवी की जो डिमांड है उसमें एक रैम्पेंट हमने लास्ट 2-3 महीने में एग्रेसिव स्टॉक पाइलिंग करते हुए देखा है ईवी प्रोड्यूसर्स ने, जिनको बैटरी चाहिए। जस्ट जिनको मालूम नहीं है उनके नॉलेज के लिए, जो बैटरी पैक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बनता है उसमें निकल एक की कंपोनेंट है, और जो निकल का सब्स्टिट्यूट है जिसे निकल पिग आयरन कहते हैं, ये बैटरी में यूज नहीं हो सकता है। सो वी रिक्वायर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ निकल, दैट इज रिफाइंड निकल इन बैटरी। पूरे वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हुए क्लाइमेट करने के लिए और डिमांड साइड है निकल की, वो बहुत ज्यादा प्राइस हो गई है और सप्लाई नहीं आ रही है। सो बहुत ज्यादा तेज, और हमने इसी चलते हुए देखा है। आप एलएमई पे स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक भी बहुत कम हो गए हार्डली। सो आई थिंक निकल के में कोई मंदी जैसा माहौल नजर नहीं आ रहा है, और फिलहाल शॉर्ट ट्रैप हो चुके हैं ये कमोडिटी में, तो डोंट शॉर्ट इट राइट नाउ। इट कैन स्टिल गो अप, इट कैन स्टिल सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। 1800 रुपए में आप बाई करके 1835 तक के लेवल देख सकते हैं, 1780 का स्टॉप लॉस रखिएगा। यानी 1835 तक भी जा सकता है, 1780 स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर तेजी आ चुकी है। तो रिस्क आपका, अगर रिस्क एपेटाइट अगर बेहतर है तो यहां पर तेजी के लिए जाएं, 1835 का टारगेट कुणाल जी दे रहे हैं। सुगंधा जी, आपको क्या लगता है निकेल में यहां से कितनी तेजी आपको और दिख रही है? विश्वमान, अगर निकेल के प्राइसेस की बात करें तो 1640 एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, प्राइसेस ने उसको कन्विंसिंगली ब्रेक किया है, जैसे कि कुणाल ने भी मेंटेन किया, अभी डिमांड काफी स्ट्रांग है स्पेशली फ्रॉम द ईवी सेक्टर, और मुझे लगता है अभी ये डिमांड कंटिन्यू रहेगी। चाइना ने भी की पॉलिसी रेट्स को कट डाउन किया है और इंडिकेशंस निकल के आए हैं कि फर्दर मॉनेटरी ईजिंग हो सकती है चाइना में, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव ट्रिगर फॉर निकल प्राइसेस। इसके साथ साथ हम एलएमई की इन्वेंट्रीज भी देखें तो काफी सिग्निफिकेंटली कम होती हुई नजर आ रही है, शंघाई में भी इन्वेंट्रीज आर नियर देयर रिकॉर्ड लोज। तो ये सारे फैक्टर्स निकल के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम टेक्निकल लेवल्स की भी बात करें तो पिछले सेशन में हमने काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखिए, तो थोड़ा सा वेट करें प्राइसेस को कूल ऑफ होने की। 1795 से 1790 की रेंज में मैं बाइंग की एडवाइस होगी।
स्टॉप श्रेणी 1770 एंड हाई साइड पे हमारे टारगेट श्रेणी 1840 से 1845 तक आने वाले दिनों में। ओके भाविक, आपको क्या लगता है 1812 अभी चल रहा है, इस भाव पे आप सलाह क्या सलाह देंगे? विश्वमान जी, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट निकल के प्राइसेस थोड़ा कूल डाउन होते हैं तो वहाँ से एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। जैसे कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 785 के करीब अगर आता है तो 750 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और क्वांटिटी आई थिंक शॉर्ट कम रखनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी रन अप देख चुके हैं तो थोड़ी वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। और अपसाइड आई थिंक 1820-1825 तक मुझे लग रहा है कि इंट्राडे आ सकता है, बट अगेन आई वुड रिट्रीट कि क्वांटिटी कम ही रखनी चाहिए क्योंकि हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है। ओके, यानी काफ़ी बड़ी तेजी आ चुकी है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करें और एक डिप का कूल ऑफ होने का वेट करें, उसके बाद मौका देखें कि कहां पर एंट्री करनी है। कुणाल जी, अब एल्युमिनियम में भी काफ़ी अच्छी तेजी आई, हालांकि अब धीरे धीरे सुस्ती दिख रही है, 240 के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, यहां पर आप क्या सलाह देंगे एल्युमिनियम में? ये एल्युमिनियम और निकल ये दो ही मेटल ऐसे हैं जिसके फंडामेंटल सबसे बेहतर है पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। एल्युमिनियम में भी चाइना ने जो प्रोडक्शन कट्स अनाउंस किए हैं और आने वाले नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में जो और भी फर्दर जो प्रोडक्शन कम होने वाला है उसको देखते हुए कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। ऊपर से एक जो लूमिंग थ्रेट है वो है रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई भी जियो पोलिटिकल कंफ्लिक्ट अगर होता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कमोडिटी मार्केट में निकल एल्यूमिनियम रहेगा, बिकॉज रशिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। एनी जियो पोलिटिकल डिस्ट्रप्शन, एनी प्रॉब्लम कैन लीड टू लोअर सप्लाई फ्रॉम रशिया। सो एल्यूमिनियम भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एल्यूमिनियम में भी आप तेजी बरकरार देखेंगे और मुझे लग रहा है कि 245 तक के लेवल आपको एल्यूमिनियम में जल्द ट्रेड करते देखने मिल सकते हैं। ओके, यानी राय बिल्कुल साफ है कुणाल जी की, इन्होंने साफ कर दिया है कि इनको सबसे ज्यादा पसंद निकेल और एल्युमिनियम ही है। 245 आपको इमीडिएट आपको दिख सकते हैं जिस तरह से यूक्रेन और रसिया के बीच तनाव बना हुआ है और वेस्टर्न देश जो यूरोप के यूएस वगैरह की तरफ से इसका विरोध हो रहा है, ऐसे में वहां से सप्लाई की दिक्कतें आ सकती है तो एल्युमिनियम को सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि सेकेंड सबसे बड़ा सप्लायर है। चलिए अब और बाकी बेस मेटल्स में कुणाल जी, कॉपर, लेड और जिंक, इन तीनों में कुछ पसंद आपको आ रहा है कि या इसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे अभी? ये थर्ड आई थिंक कॉपर और लेड भी मैं ज्यादा नहीं करूंगा, जिंक प्रेफर करूंगा क्योंकि यूरोप में जो पावर क्राइसिस चालू है उसके कारण बहुत सारे जिंक के स्मेल्टर्स ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। सो टेम्पररी जिंक में डिमांड साइड थोड़ा कमजोर है क्योंकि स्टील प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में नीचे आ रहा है, स्पेशली चाइना में नीचे आता है तो इसकी वजह से डिमांड कम है, बट ये जो सप्लाई कटेल हुई है उसके कारण जिंक इज ऑल्सो बिग बेनिफिशरी। 294 में आप बाय कर सकते हैं, 299 के टारगेट्स के लिए, 291 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, यानी जिंक तीसरी कॉल कुणाल जी की तरफ से आती हुई है, पहला 1835 के टारगेट के लिए निकेल, फिर 245 के टारगेट के लिए आप एल्युमिनियम खरीद सकते हैं और तीसरी कॉल जिंक। सुगंधा जी, जिंक आपको कैसा दिख रहा है जिस तरह से क्रूड और थर्मल कोल मार्केट में जिस तरह की तेजी है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या जिंक इसका बेनिफिट उठाएगा और जिंक भी अब तीसरा सबसे मेजर गेनर बनेगा यहां से? और मुझे लगता है जो मार्केट में सप्लाई काफी ज्यादा टाइट है जिंक की, वो काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी जिंक के प्राइसेस को, इन्वेंट्रीज भी सिग्निफिकेंटली लो होती जा रही है, सो दीज टू फैक्टर्स विल बी सपोर्टिव फॉर जिंक प्राइसेस। और मुझे लगता है कुछ भी डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 294 बाइंग करके चल सकते हैं, स्टॉप रहेंगे 292 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 296.80। हैविंग सेड, इसके साथ साथ मुझे कॉपर भी आज के सेशन के लिए काफी पॉजिटिव नजर आता है। कॉपर में हमने पिछले सेशन में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन आते हुए देखी है, मुझे लगता है आज के सेशन में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है प्राइसेस में। सो कॉपर में भी मेरी 750 के लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस रहेगी, स्टॉप्स रहेंगे 745.50 और हाई साइड में हमारे फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 758। अगर प्राइसेस 758 के ऊपर कन्विंसिंगली स्टे कर जाते हैं देन 765 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, सो कॉपर भी बाय रहेगा ऑन स्मॉल डिप्स।
ओके, यानी 755 के लेवल्स आपको दिख रहा है कॉपर में भी। जिंक भी सुगंधा जी की तरफ से खरीदारी की सलाह है, 294 पे 292 का स्टॉप लॉस लगा ले। टारगेट इन्होंने दिया है 296.80 का, 296.80 रुपये का। भाविक, अब आपको दो टॉप ट्रेड निकेल के अलावा अगर बेस मेटल्स में आज चुनना है तो आप क्या चुनेंगे और किस साइड जाएंगे, बाई या सेल? देखिए, मैं सबसे पहले जिंक में लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि आई थिंक जिंक फंडामेंटली अभी भी मैं देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा स्ट्रांग है। जैसे हमने देखा है कि एटलीस्ट सप्लाई साइड उनका टाइट है, और अगर चाइना में भी देखें तो 170 से 190 यूएन में प्रीमियम अभी भी चल रहा है, तो वह कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि डिमांड अभी भी अच्छी है और सप्लाई टाइट है। तो जिंक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 294 के करीब मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 298 का और स्टॉप लॉस रहेगा 292 का। और सामने हेज के लिए मैं लेड की पोजीशन शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि हमने एटलीस्ट लास्ट 3-4 दिन में देखा है कि जहां पे सारे बेस मेटल्स चल रहे हैं वहां लेड अंडर परफॉर्म कर रहा है, और लेड में थोड़ी वीकनेस और भी दिख रही है। तो लेड जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 186.40 के करीब मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 185 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 187.50 का। ओके, जिंक तीनों ही जानकारों को लगता है कि खरीद लेना चाहिए, 298 का टारगेट भाविक दे रहे हैं जिंक में, लेड इनको लगता है कि यहाँ से सेल करके जाना चाहिए 185 के टारगेट के लिए, एक सेल कॉल भी बेस मेटल्स में आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की, जहां पर बेस मेटल्स में तेजी का फायदा यहां भी दिख रहा है, हालांकि आज सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है, कल बहुत जबरदस्त तेजी दिखी थी, अब ऐसा लग रहा है कि एक ये प्रेशियस इंडस्ट्रियल मेटल की तरफ सिल्वर बनता जा रहा है। कुणाल जी, आपको कैसी लग रही है चांदी, चांदी में कितनी तेजी की उम्मीद आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ से दिख रही है? चांदी में भी ये जो कल हमने 2-3 दिन में देखा, ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार रुपये बढ़ गए। सो जो हिसाब से चाइना इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, दो बार लास्ट हफ्ते में इंटरेस्ट रेट कट किया, और ये टाइम उनका जो लेंडिंग फैसिलिटी है उसमें 0.10% की हमने आज कट आते हुए देखा है। तो ये देखते हुए लग रहा है कि चाइना अभी फिलहाल जहाँ पे वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है वहां पे चाइना में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो चाइना की डिमांड रिवाइव होगी, ये देखते हुए सिल्वर में और भी तेजी आएगी। और सिल्वर मुझे लग रहा है 65,500 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। ओके, तो चांदी पर ये रहा है। सर, आखिरी सवाल आपसे गोल्ड को लेकर, गोल्ड हालांकि कल अच्छी तेजी दिखी थी लेकिन अभी भी रेंज में ही फंसा हुआ दिख रहा है, उस तरह का डिसाइसिव मूव आता नहीं दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है कि 48,300 के आसपास से अब यहां पर अच्छी तेजी दिखेगी अब गोल्ड में? आई थिंक गोल्ड भी फंडामेंटली पॉइज है नया ऊपर जाने के लिए। आई थिंक $1,850 के ऊपर हमको और भी गोल्ड में बाइंग देखने मिलेगी। आज सबसे सर्टेनिटी जिसमें लग रही है, जो हिसाब से ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वेस्टर्न इकोनॉमीज में आगे स्लोडाउन का फियर है, तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि गोल्ड और भी ऊपर जाएगा। और मेरी राय में गोल्ड में आप बाइंग कीजिए 48,300 पे, टारगेट गोल्ड का रहेगा अराउंड 48,650 to 700, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें 48,100 का। सो गोल्ड ऑल्सो लुक्स वेरी अट्रैक्टिव टू गो लॉन्ग। ओके, यानी गोल्ड भी यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है कुणाल जी का, और कन्विक्शन है इनको गोल्ड को लेकर भी, और लग रहा है कि यहाँ पर करेंट लेवल पर ही खरीद ले। शुक्रिया कुणाल जी, वक्त निकाला आपने, पूरे बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स पर भी अपनी राय रखी। सुगंधा जी, अब आप बताइए गोल्ड और सिल्वर में आज आप क्या पिक करेंगे? मैं गोल्ड को पिक करूंगी, मुझे लगता है सिल्वर भी पॉजिटिव रहेगी, बट आज के लिए मेरी पिक गोल्ड में रहेगी, बिकॉज अभी अगर हम देखें काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई हैं, जो गोल्ड को काफी ज्यादा सेफ हेवन डिमांड इसकी इग्नाइट कर सकते हैं। और हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि 1835 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, प्राइसेस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में प्राइसेस 1865 से 1870 पर आउंस जा सकते हैं। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 48,200 एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, प्राइसेस ने इसको ब्रेक किया है, सो मुझे लगता है आने वाले दिनों में प्राइसेस 48,700 एंड 49,200 तक का भी टारगेट कर सकते हैं। सो आज की सेशन में गोल्ड में बाइंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 48,200, स्टॉप्स रहेंगे 48,000, और हाई साइड में इंट्राडे के लिए टारगेट्स रहेंगे 48,700। हैविंग सेड, आने वाले दिनों में 48,700 एंड 49,200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं।
सिल्वर की भी बात करें तो सिल्वर में भी आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, प्राइसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं पिछले दो सेशन में, तो स्लाइड कूल ऑफ की वेट करें। इनफैक्ट लास्ट वीक भी मैंने 61,700 के लेवल्स पर बाइंग की एडवाइसिंग थी, अभी भी हम डिप्स पे बाइंग की एडवाइसिंग है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 63,800 टू 64,000 सिल्वर में बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 62,900 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 65,700 से 66,000 आने वाले दिनों में। मुझे लगता है जो बेस मेटल्स में हम तेजी आते हुए देख रहे हैं, सिल्वर हैज बीन एन अंडरवैल्यूड एसेट और 2021 में भी सिल्वर ने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया इन्वेस्टर्स को, पर जो ग्रीन एनर्जी की थीम है वो सिल्वर को काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी आने वाले टाइम में, और सोलर पैनल्स की साइड से भी जो इसकी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रही है, दिस फैक्टर विल ऑल्सो बी वेरी सपोर्टिव, और हमने काफी ज्यादा लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है। मुझे लगता है प्राइसेस में ऑलरेडी 60,000 मार्क पर एक अच्छा बेस बन चुका है एंड दिस मोमेंटम विल कंटिन्यू इन कमिंग डेज एज वेल। ओके, यानी ग्रीन एनर्जी की जो थीम है वो सिल्वर को यहाँ से सपोर्ट करेगी, सिल्वर बहुत अच्छी तेजी यहाँ से दिखा सकती है, ऐसा जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार बता रहे हैं। गोल्ड भी आज इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह है सुगंधा जी का, उनको लगता है कि 48,500 फिर उस टारगेट के बाद ऊपर की तरफ भी जा सकता है गोल्ड, 48,700 की तरफ भी। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट में एक ऐसा काउंटर जिसमें लगातार तेजी दिख रही है, वो है कॉटन, और कॉटन पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश राठी साहब हैं जो इंडियन कॉटन एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट है बठिंडा के। सर स्वागत है आपका राकेश राठी साहब। कॉटन में जिस तरह की तेजी दिख रही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी मजबूत है, एमसीएक्स पर भी लगातार तेजी दिख रही है, अब आपको यहाँ से कौन से लेवल्स दिख रहे हैं कि वहां तक जा सकता है कॉटन? सर मेरे को मतलब नो डाउट हिंदुस्तान में कॉटन की शॉर्टेज है, उसकी वजह से भाव तेज रहेंगे, परंतु मेरे को इस लेवल के ऊपर थोड़ी सी कॉशियस तेजी लगती है। जो एकदम सरपाटेदार जो तेजी आनी चाहिए थी ना सर, वो आ गई है, क्योंकि आगे कपड़े का बाजार, रेडीमेड गारमेंट का बाजार और फैब्रिक के बाजार के अंदर डिमांड उतने उस चीज को मैच नहीं कर रही है, तो यान के लेवल के ऊपर जो है मिलों को मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, उस मार्केटिंग चलते हुए और इतने ऊंचे के भावों के ऊपर मिलें भी अपना इन्वेंट्री ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहेंगी, तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरे को यहां से कॉशियस तेजी लगती है, एक सपाटेदार तेजी लगनी है। ओके ओके सर, इंटरनेशनल मार्केट के फंडामेंटल्स क्या कितने सपोर्टिव है, या घरेलू बाजार में ज्यादा तेजी, हम प्रीमियम भाव पर हैं यहां पर अभी? नहीं सर, हमारी कॉटन अभी भी जो है विश्व में सस्ती है, कंपैरेटिवली कोई महंगी नहीं है, परंतु ये उससे थोड़ा सा इसका फॉर द टाइम बीइंग वो जो है डिफरेंट फंडामेंटल्स पे चल रही है, उसके अंदर जो यूएस की कॉटन तेज होने का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि वहां ऑन कॉल सेल की फिक्सेशन बहुत बड़ी पेंडिंग पड़ी है, उसको देखते हुए वहां के स्पेकुलेटर्स जो अनकॉल फिक्सेशन को ट्रैप करने के चक्कर में उसके अंदर ज्यादा उछाल आ रहा है, परंतु जबकि हाजिर बाजार के अंदर जो है ना ऐसी स्थिति नहीं है, रुई मिल रही है, मिलों के पास दो दो ढाई ढाई महीने का स्टॉक भी हो गया है, किसान के पास भी डेढ़ करीबन डेढ़ एक करोड़ गांठ लाने को बाकी है, इन्वेस्टर के पास में भी है, तो अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लंबे समय के अंदर तो वही चलेगा, परंतु फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसकी तेजी का कारण हिंदुस्तान की तेजी से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसका हमें डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया राकेश राठी साहब, आपने वक्त निकाला और कॉटन मार्केट का आउटलुक समझाया और ग्राउंड पर क्या स्थिति है और वायदा बाजार में किस तरह से ट्रेड हो रहा है, इसका भी इसकी पूरी डिटेल्स आपने दर्शकों को दी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और वापस से हम नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं, कच्चे तेल की बात नहीं हुई है। सुगंधा जी, कच्चे तेल में क्या लग रहा है अब? हालांकि कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी जितने भी फंडामेंटल्स आ रहे हैं सारे तेजी के हैं, सपोर्टिव है। ओपेक की तरफ एक नई रिपोर्ट आ रही है, उनको लग रहा है कि $100 भी क्रॉस करेगा, जो शॉर्ट टर्म सप्लाई डिसरप्शन है वो लगातार सपोर्टिव है। अब आपका व्यू क्या है यहाँ से? खुशमोहन, अगर हम देखें तो डिमांड काफी स्ट्रांग है और ओमिक्रॉन के वेरिएंट का कोई मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, स्पेशली चाइना की साइड से। यूएस में इवन दो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पर डिमांड पे ज्यादा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। और ओपेक प्लस जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अग्री किया था कि फरवरी में 4 लाख बैरल्स पर डे से प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, बट वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं
और ऐसा नहीं लग रहा कि वो इतनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएंगे। स्पेयर कैपेसिटी भी काफी ज्यादा कम है और इन्वेस्टमेंट भी सेक्टर में काफी ज्यादा कम हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स काफी सपोर्टिव है। इसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम भी बना हुआ है और अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है तो एनर्जी सप्लाई काफी हद तक डिस्ट्रप्ट हो सकती है। तो ये फैक्टर भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और हमने अभी पिछले सेशन में भी देखा, एक की पाइपलाइन में हमने आउटेज आते हुए देखा। इवन दो दैट पाइपलाइन हैज ऑलरेडी रिज्यूम द फ्लो ऑफ क्रूड ऑयल, बट स्टिल अभी भी लगता है कि जो सप्लाई जो टाइट देख रहे हैं दैट विल कीप सपोर्टिंग प्राइसेस। और अगर हम टेक्निकल लेवल्स की भी बात करें तो हमने अक्टूबर हाईस को ब्रेक करते हुए देखा है प्राइसेस को। सो WTI क्रूड ने न्यू 7 ईयर हाईस को टेस्ट किया है। सो मुझे लगता है मोमेंटम अभी कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट टिल 6600 ऑड लेवल्स एट डोमेस्टिक मार्केट। सो मेरी एडवाइस रहेगी आज के सेशन में 6380 के लेवल्स पर बाइंग करें। स्टॉप्स रहेंगे 6300, हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 6480 से 6500। ओके, 6480 से 6500 के टारगेट के लिए आप क्रूड खरीद सकते हैं। 6380 के लेवल पे 6300 का स्टॉप लॉस लगा ले। भाविक, कच्चे तेल पर अब आप क्या सलाह देंगे? विश्वमोहन जी, लास्ट वीक भी मैंने बोला था जब 6150 था कि कोई रिवर्सल दिख नहीं रहा है और ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि 6450 तक जा सकता है। अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट टारगेट अपसाइड 6650 से 6700 तक आ सकता है। और आई डोंट थिंक कि 2 या 3 महीने एटलीस्ट इनिशियली हमें कोई भी मेजर डिप देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सप्लाई कंस्ट्रेंट है और डिमांड जो है वो काफ़ी स्टेगनेंट, डिमांड अच्छी लग रही है मुझे। तो आई थिंक मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट 6700 का रहेगा, जो कि इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो इंट्राडे 6350 के करीब अगर आता है फेब्रुआरी कॉन्ट्रैक्ट, तो 6300 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 6480 का। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि शॉर्ट पोजीशन ना करें क्रूड में, अभी भी तेजी लग रही है। मीडियम टर्म 6480 का सुगंधा जी भी टारगेट दे रही है और 6300 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड खरीदने की सलाह है। सुगंधा जी, आखिरी सवाल अब नेचुरल गैस को लेकर है। नेचुरल गैस में हालांकि जो पुराना अनुमान था सर्दी ज्यादा रहने का, उस अनुमान को अब कम किया जा रहा है, लग रहा है कि हीटिंग डिमांड कम रहेगी। तो ऐसे में नेचुरल गैस आपको कहां जाता दिख रहा है? विश्वमोहन, मुझे लगता है फंडामेंटल्स लार्जली अभी भी देखें तो पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक करेक्शन है जो हमने हाई लेवल से आते हुए देखी, जहां प्राइसेस ने 325 लेवल्स पर एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया। मुझे लगता है करेक्शन कंटिन्यू रहेगी टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 295, पर मुझे लगता है 295 के लेवल्स पर दोबारा से बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 287 और हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 315। हैविंग सेड, अगर 325 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो दोबारा से 340 से 350 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट 325 एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा प्राइसेस के लिए। इंट्राडे में 295 पे बाइंग करें और 315 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, यानी ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। शुक्रिया सुगंधा जी आपका, भाविक आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए और जितने भी कमोडिटीज नॉन एग्री मार्केट के पूरे फंडामेंटल्स पर भी चर्चा की। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना है, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। नमस्कार।